अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार मैसूर भजिया। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से स्पंजी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, जल्दी बनके तैयार होते हैं। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल में लेंगे मैदे का आटा, तो ये जाएगा 2 कप। आप जितने भजिया बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप आटा लें। सबसे पहले हम मैदे के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, 2 टीस्पून जाएगा नींबू का रस। आप इसके आटे को दही के साथ भी गूंद सकते हैं। अगर आप इसमें दही डाल के गूंदना चाहते हैं तो आप ईस्ट को स्किप कर दें। और इसको फ्राई करने से पहले 1-2 स्पून सोडा पाउडर डाल के इसको अपने फ्राई करना है। इसमें हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका आटा ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें दही डाल के गूंद रहे हैं तो आपको इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। और अगर आप इसमें ईस्ट डाल के बना रहे हैं तो आप इसे 2 घंटे के बाद फ्राई करें। और अब डालेंगे 2 टीस्पून ईस्ट। ईस्ट के डालने से जो मैसूर भजिया है बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। ईस्ट डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ईस्ट के डालने के बाद इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं करते हैं। अगर दही के साथ बना रहे हैं तो तभी आपको इसे ऐड करना है। और अब चाहेगा 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और ये रहा 1 टीस्पून सीरा, 1 टीस्पून चाहेगा फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप इसको ऐसे प्लेन बनाएंगे तो ये मैसूर बोंडे बनते हैं, और अगर आप इसमें सारी चीज़ें डाल के बनाएंगे तो इसका नाम होता है मैसूर भजिया। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी हरी प्याज ली है, और चॉप किया हुआ हरा धनिया है, चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता लेंगे, और साथ में है 2 से 3 लाल मिर्चें। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे 2 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, 1 बड़े साइज का आलू जिसको हम उबाल के इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। तो इस मैसूर भजिया में आलू के डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर आप स्किप कर दें, आपकी चॉइस है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो बड़े चम्मच जाएगा दही, तो दही के डालने से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसे पानी के साथ ही गूंद रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दही ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसको दही से ही बनाते हैं। इस भजिए का आटा ज़्यादा लूज नहीं करना चाहिए, तो आप इसे मीडियम ही बना लें। इसे हम 2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पर लेंगे खाली 4, और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर। तो यहाँ पर हम इस भजिए का सॉस बना रहे हैं, यानी कि चटनी। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन है तो आप वो डालें। 2 से 3 डालेंगे लाल मिर्चें हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हैं। थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया। और अब डालेंगे इमली का पल्प, यानी कि इमली का जो रस होता है इसको हम ऐड करेंगे। 1 चम्मच जाएगा सोया सॉस, 2 टीस्पून ऐड करेंगे शुगर। शुगर के डालने से जो चटनी का टेस्ट है वह खट्टा मीठा आता है। आपको अगर पसंद है तो आप डालें या फिर आप स्किप कर दें। तो यहाँ पर चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को ऑयल में पका भी सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी रखें। दोनों ही तरीक़ों से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 से 3 घंटों के बाद यहाँ पर आटा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। इसको हम फ्राई करेंगे। ये भजिए फ्राई होने के बाद और भी ज़्यादा फूल जाते हैं, तो आपकी कढ़ाई में जितने भजिए आ सकते होते हैं डाल के आप इसे फ्राई करें। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं भजिए बहुत ही ज़बरदस्त से फूल चुके हैं। और यहाँ पर आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि अंदर तक फ्राई हो जाए। आप इसे जितनी देर लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसको हम निकाल रहे हैं। भजिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बेहतरीन सा कलर आया है। तो यहाँ पर मैसूर भजिए बनके तैयार हो चुके हैं। साथ में है खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसे नारियल यानी कि खोपरे की चटनी के साथ भी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। इसके साथ हम बनाए हैं रूह अफ़ज़ा शरबत। अगर आपको हमारी मैसूर भजिए की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें। शहदाज कुकिंग पे न्यू है, पहली बार है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो है मिलते हैं एक और न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।